वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवांगी। सो फाइनली अब आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम सबके कंप्लीट हो चुके हैं एंड अब उसका जो पैटर्न था और आईबीपीएस क्लर्क आईबीपीएस पीओ का जो पैटर्न है उसमें थोड़े से चेंजेस हैं। लाइक इंग्लिश भी अब इसमें ऐड ऑन हो जाएगी और सेक्शनल टाइमिंग रहेगा तीनों ही सेक्शंस में, तो इस तरीके से अब खुद को तैयार करना पड़ेगा। सो मैंने 16th और 17th मॉक टेस्ट जो था वो जुलाई में ही दे दिया था। उसके बाद फिर आरआरबी क्लर्क और पीओ के ही मॉक्स दे रही थी मैं। अब फाइनली अब फ्री हुई हूँ इन दोनों से, तो अब आईबीपीएस क्लर्क के मॉक मैंने आज दिया था, ये 18th वाला, जिसमें मेरे 76.75 मार्क्स आए हैं। सो इसमें इंग्लिश का लेवल जो था वो थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हैं, टफ था, और पॉइंट भी जो था मॉडरेट था। थोड़े लेंथी क्वेश्चंस थे, टीआईएस के क्वेश्चन भी लेंथी थे। रीजनिंग बहुत ज़्यादा इजी आया था, रीजनिंग बहुत जल्दी बन गया था। सो इसमें मेरी 35 रैंक आई है और 99.25 परसेंटाइल बना है इसमें। एंड इंग्लिश में 3 क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हो गए, पॉइंट में 1 सिंप्लीफिकेशन का रॉन्ग हुआ है, और इंग्लिश में पैरा जंबल आया था जो वो थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का था, तो मैंने उसको सॉल्व नहीं किया क्योंकि उसमें रॉन्ग होने के चांसेस और ज़्यादा थे। रीजनिंग बहुत ज़्यादा इजी था, मेरा 15 मिनट में बन गया था। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था और एक मेरा रॉन्ग हो गया इसमें, और बाकी जो पॉइंट था उसमें एक कैसलेट डीआई आई थी, तो उस डीआई में कोई भी डेफिनेट डेटा नहीं दे रखा था। सो उसमें इस वाली डीआई में कुछ भी डेफिनेट नहीं था। सो इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था तो मैंने उसको ऑप्शंस के थ्रू करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मेरा सारा डेटा निकल आया था। सो इसमें जो मेल्स इन सोसाइटी ए और फीमेल्स इन सोसाइटी सी का रेशियो 4:5 का बन रहा था, तो 4 और 5 का था, तो यानी कि जो मेल्स होंगे सोसाइटी ए के वो 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो वो ये ए बी और डी थे। तो मैंने सबसे पहले बी को ट्राई किया, तो उससे सारा डेटा जो था वो नहीं निकल पा रहा था, पॉइंट में आ रहा था, तो मैंने फिर 200 लिया, तो 200 लेकर के सारा डेटा निकल आया था। तो फिर मैंने इसको ऑप्शंस के थ्रू सारे क्वेश्चंस इसके मैंने करे थे, तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ थी जो मैंने अप्लाई की आज, और इससे काफ़ी जल्दी और इजीली हो गया था, नहीं तो इसमें इक्वेशंस बनानी पड़ती, तो ये जल्दी बन गया था मेरा इसके थ्रू। बाकी रीजनिंग बहुत ज़्यादा इजी था, बहुत जल्दी क्वेश्चंस बन गए थे, पजल्स वगैरह बहुत इजी थे, सिलॉग्स भी बहुत इजी आया था। ये के वाला क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, पेयर्स ऑफ लेटर बताने थे इसमें इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज, तो मुझे 2 ही दिखे थे और इसमें 3 थे, ये वाला रॉन्ग हो गया था। और एक मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बनाना था, तो ये मुझसे नहीं बन पा रहा था, तो मैंने इसको स्किप कर दिया था। मैंने इसमें एक मिनट मैंने इस क्वेश्चन को ही दे दिया था, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने इसको स्किप कर दिया। बाकी क्वांट में सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया, और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस मैंने स्किप कर दिए थे, और एक ये वाला था मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन, इसको परसेंटेज के थ्रू ये आ रहा था, तो ये भी मैंने स्किप कर दिया था। इसमें भी काफ़ी टाइम दिया मैंने इसको, 1 मिनट अप्रॉक्स। बाकी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस स्किप कर दिए थे मैंने, और इंग्लिश में ये वाला पैरा जंबल था, सो मैंने लास्ट और फर्स्ट वाला ही मार्क किया था, सो लास्ट वाला तो रॉन्ग हो गया, बाकी 2 क्वेश्चन इसके मेरे रॉन्ग हुए हैं। इसका लेवल जो लास्ट ईयर मैंने आईबीपीएस क्लर्क के दिया था, तो मैंने उसमें 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, बहुत इजी लेवल था उसका, तो उसके कंपेरिजन में तो इसका लेवल थोड़ा अच्छा ही था। बाकी आप लोग भी ये वाला मॉक टेस्ट दीजिएगा, ये 18th मॉक टेस्ट है, और अपना स्कोर मेरे साथ शेयर करिएगा।